अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। मुझे लगता है सबसे क्रिटिकल है ना वो टाइम मैनेजमेंट। ओके। क्योंकि आप बाकी सब सिस्टम्स अगर बनाए भी और टाइम मैनेजमेंट का आपका सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम में फिर क्या है ना सबसे ज्यादा इम्पैक्ट। क्योंकि क्यों होता है, बिकॉज मैं आपको बोलूं कि सबसे जो लिमिटेड रिसोर्स, आप भले अमेरिका के प्रेसिडेंट हो या आप एक स्वीपर हो, सबको 24 कलाक ही भगवान ने दिया। ओके। बट अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या करता है वो 24 कलाक में, और एक छोटा आदमी जो है वो क्या करता है, कितना फर्क है, कितना मतलब इतना पूरा। और अमेरिका का मैंने एक सीरियल भी देखा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट मतलब वो खाली अमेरिका का सोचना नहीं पड़ता, उसको तो पूरा वर्ल्ड का सोचना होता है, मतलब हर जगह पे क्या हो रहा है उसके हिसाब से उसको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है क्या, मतलब इतना बड़ा काम, इतना बड़ा इम्पैक्ट एक प्रेसिडेंट अगर करता है 24 कलाक में तो हम एडवाइजर लोग क्या कर रहे हैं। बराबर। तो मतलब क्या है कि वो 24 आवर्स में आप कितना सारा मैटर पैक करते हैं। तो पार्किंसन ने क्या बोला है, टाइम विल एक्सपांड टू अकोमोडेट द वर्क अवेलेबल। तो आपके पास बहुत सारा वर्क है, वर्क काम है, तो आपका टाइम एक्सपांड होता है। और आपके पास अगर ध्यान ही नहीं कि काम क्या करना है तो कम काम में समय बहुत निकलता है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कारपेंटर अगर है वो 8 कलाक में अगर 4 चेयर बनाता है, राइट, तो उसको अभी साफ बोलता है कि यार आज सामान नहीं है, आज 2 ही चेयर बनेगा, तो वो 2 चेयर 4 कलाक में नहीं बनाते, उसके लिए भी उसको 8 कलाक लगता है। अच्छा। क्योंकि क्या होता है वो फिर अपने हिसाब से उसको पता है 2 ही करना है वो करेगा। बट कभी उसके साहब ने अगर बोल दिया कि यार आज 6 चेयर बनाने हैं तो भी वो 8 कलाक में 6 चेयर मैनेज करता है। बराबर। यू नो, तो उसका मतलब ये है। तो पार्किंसन क्या कहता है कि आपका जो काम है ना वो अगर ज्यादा है तो टाइम एक्सपांड हो जाता है, अकोमोडेट कर, और आपके पास अगर काम नहीं है तो आप छोटा छोटा मोटा काम में ही आपका समय पूरा बीत जाता है। तो मुझे लगता है कि एक एडवाइजर का सबसे ज्यादा एक तो क्या होता है, देखो इम्पोर्टेंट क्या है, अगर मैं जॉब पे जाता हूँ तो 2 पंच करना पड़ता है मुझे, सवेरे नो बराबर टाइम पे पहुंचना पड़ता है, शाम को मैं एटलीस्ट उस जगह पे हूँ जहां मुझे ये 8 कलाक काम करना है। तो एडवाइजर को क्या है, कोई पंच नहीं है, लंच तो करता ही है वो, बट यू नो पंच का कोई है नहीं। तो पंच का अगर कोई नहीं है मतलब वो जिस जगह पे उसको काम करना है वो जगह पे वो पहुंचता ही नहीं, तो फिर क्या होता है उसको ध्यान ही नहीं रहता। तो बेसिकली कैसा है, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करता है, इस वजह से काम नहीं होता है, और इस काम नहीं होता है तो उसका परफॉर्मेंस के ऊपर ये होता है। तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे क्या लगता है कि आपका आने वाला 1 महीने में 1 हफ्ते में समय आप कैसा उसको यूज करेंगे ना आपको पता होना चाहिए। मैं आपको अगर पूछूं कि अगले ट्यूजडे 4 बजे आप क्या करने वाले हैं तो अगेन टॉपिक मास्टर रहेगा, राइट। अभी आपको इसको कहीं मतलब सोचना नहीं है। बराबर। अभी आप अगर हर वीक में सोचेंगे ये टॉक विद मास्टर में कभी रख तो क्या होगा, सोचते रह जाओगे कि मैं आज करूं कल करूं। बट आपने अगर एक फिक्स कर दिया कि ट्यूजडे को 4 बजे टॉक विद मास्टर होना ही, तो आप बैकवर्ड काम करके पूरा सब सेटिंग करके पूरा यू नो फील्डिंग लगा के आप उसका वो कर लेते हैं, आपका प्रिपरेशन कर लेते हैं, सब कुछ चीज इतना जो है। तो क्या है, सिस्टम बनाने से हमारा डिसिप्लिन आता है। परफेक्ट। तो मैं ऑलवेज यू नो मेरा जब मैं एडवाइजर काम करता था ना तो ऑलवेज मैं ये कहता था, अच्छा उस जमाने में 94, 95, 96 के जमाने में मोबाइल तो था नहीं, पेजर भी नहीं था, ओके, तो मेरे ऑफिस को मेरे को ढूंढना अगर रहता था कुछ पूछने के लिए तो यू नो उनको वो सिर्फ टाइम देखते थे अभी कितना बजा है और एक कॉल मारते थे और मैं वहां रहता। अच्छा। तो मैं ऑलवेज ये कहता हूँ आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए, मतलब इवन मीटिंग करने का सिस्टम ऐसा होना चाहिए। और ये मैं गारंटी देता था कि अगर बॉम्बे में भूकंप हो गया और समझो कुछ भूकंप होने के बाद तो मेरे फैमिली को एग्जैक्टली पता रहेगा कि मेरी बॉडी कहाँ मिली। अच्छा। क्योंकि वो समय के हिसाब से उनको देखना पड़ेगा कि ये भूकंप हुआ कितना बजे, तो उनको मेरा पूरा शेड्यूल रहता था। अच्छा। तो उनको मालूम है कि ये टाइम पे हुआ है तो 100% बॉडी इधर ही रहेगी। क्या बात, मतलब इतना गारंटी होना जो है, वैसे काम करने से जो है वो एक उसकी ना एक अलग अपना एक यू नो एक अलग वाइब्रेशन आ जाता है, मोटिवेशन आ जाता है, हमको अच्छा लगता है। बिकॉज जब आप कोई कम समय में ज्यादा काम करते हो, अभी जैसा मेरा आज का जो अपॉइंटमेंट था मुझे आने जाने में करीबन 1 कलाक लगता है,
तो अगर ये तीन चीज के लिए मैं तीन अलग दिन आ जाता तो मेरा 6-8 घंटे चले जाते। आज क्या हुआ, 2 घंटे का ट्रैवलिंग में मैंने 3 चीज कर लिया। तो मेरा इफेक्टिवनेस कितना बढ़ गया, मतलब मेरे पास अभी समय बच गया जो अदरवाइज ट्रैवलिंग में जाता था, वो मेरा अभी कुछ नो अच्छा काम करने में या कुछ प्लान। तो इसके लिए सिस्टम बनाने से हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे माइंड में मैं फिट करना चाहिए। तो बेसिकली कैसा होना चाहिए, आप मंडे क्या करने वाले हो ये फिक्स होना चाहिए। मंडे को आपको सवेरे उठ के सोचना नहीं है कि मैं अभी हर रोज क्या, एडवाइजर क्या करते हैं, हर रोज सवेरे उठ के सोचते हैं चलो आज मैं क्या, मैं किसको हूँ, किधर जाऊँ, और सोचते सोचते 11-12 बज जाते, फिर वो सोचते हैं चलो अभी तो खाने का टाइम हो गया, अभी खाना खा के ही जाते, फिर खाना खाते हैं, उसके बाद उसको लगता है चलो थोड़ा सा अभी झपकी मार के फिर जाएंगे, झपकी मारते मारते वो शाम हो जाती, फिर चाय पीते बोला अभी जा रहे तो अभी कल जाए। तो मेजर मेजोरिटी जो हमारे एडवाइजर है, क्योंकि वो लोगों को कोई पंचिंग करना नहीं है, इस वजह से वो लोग ऐसे ही टाइम पास करते रहते। तो टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम मतलब मंडे को मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5, ट्यूजडे को क्या करूंगा 1 2 3 4 5, वेनेसडे क्या करूंगा 1 2 3 4 5, थर्सडे क्या करूंगा, ऐसा मेरे पास सिस्टम होना चाहिए। और वो मंडे उठा तो अपने को तो क्या होता है, अपने बॉडी को भी देखो सिस्टम का मैं ऑलवेज एक एग्जाम्पल ये देता हूँ। अगर अपनी यूनिवर्स को हम देखेंगे, यहाँ से इसरो ने चंद्रयान भेजा चंद्रमा का परिक्रमा करने के लिए, या यू नो जो भी उसका विक्रम लैंडर को वहां ये करने के लिए। अब जब जब चंद्रयान को भेजा है तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि चंद्रयान ने वहां से कॉल किया कि सर चांद ही नहीं है इधर, बराबर। हम लोग जो भेजते हैं यहाँ लास्ट सेकेंड तक वो एक्यूरेट रहता है और वो वही जगह पे जाके मतलब दोनों घूम रहे हैं। अभी आप देखो कि एक अर्ध भी घूम रहा है, मून खुद भी घूम रहा है और वो रोटेशन भी कर रहा है, और उतना एक्यूरेसी से हम क्यों भेजते हैं, बिकॉज ये जो पूरा चीज है ना सिस्टम में चल, पूरी हमारी जो मतलब यू नो सोलार सिस्टम है वो पूरे सिस्टम में चल रही है। इतना मतलब परफेक्ट सिस्टम है कि मैं उसमें स्टडी भी कर रहा था, बीच में कुछ ऐसा एस्ट्रोनॉमर्स को क्या पता चला कि कोई प्लैनेट है मुझे पता नहीं है, बट वो लोग कैलकुलेशन जब कर रहे थे ना वो प्लैनेट 4 मिनट लेट होता था हर एक राउंड में। तो लोग बोला यार ऐसा तो कभी होता नहीं क्योंकि उसके स्पीड वीड से हिसाब से वो होना नहीं चाहिए। तो वो लोग को सोचा कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब सिस्टम इतना परफेक्ट है। तो बोलते हैं ये भाई साहब लेट क्यों होते, मतलब एक ही प्लेनेट था जो लेट होता। फिर वो लोग ने पूरा स्टडी करके फिर क्या पता चला कि वो शायद जुपिटर के आगे वाला प्लेनेट या पीछे वाला है, बट वो जुपिटर के एक लाइन में आने के बाद वो जुपिटर की जो ग्रेविटी है वो उसको एक जगह पे रुका के रखती थी, पकड़ के रखती। जब तक वो प्लेनेट थोड़ा हिल नहीं जाता था तब तक फिर वो वापस, तो एक रोटेशन एक जो रेवोल्यूशन था वो रेवोल्यूशन में एक बार ऑलवेज 3 मिनट लेट होता था। और वो कौन सा दिन और कहाँ लेट होगा ये बाद में एस्ट्रोनॉमर्स को एकदम पक्का मालूम था, मतलब वो भी सिस्टम में आ गया, वो रुक भी जाता था तो भी सिस्टम में। तो क्या है कि पूरी यूनिवर्स अगर सिस्टम में चल रही है तो कुछ तो उसका मायना है। तो मुझे लगता है कि एडवाइजर भी अगर ऐसा, तो टाइम मैनेजमेंट मुझे लगता है सबसे अहम है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द फिर बाकी सब मैनेजमेंट हम लोग कर सकते। परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।